वेल गाइस, तो फाइनली एई डेब्यू का रसल ड्रीम पे पर व्यू का मेन इवेंट ओवर हो चुका है और आज यहां पर फाइनली रसल ड्रीम के मेन इवेंट के ऊपर एई डेब्यू ने उनका ब्रांड न्यू वर्ल्ड चैंपियन क्राउन कर दिया है। गाइस, यहां पर आज एई डेब्यू के रसल ड्रीम के मेन इवेंट के ऊपर हमें यहां पर ब्रायन डेनिसन उनके होम टाउन के ऊपर जॉन मॉक्सली के खिलाफ उनके वर्ल्ड टाइटल को डिफेंड करते हुए दिखाई देते गए, जो यहाँ पर सिर्फ ब्रायन का वर्ल्ड टाइटल मैच ना होके बल्कि ब्रायन डेनिसन के फुल टाइम करियर का रिटायरमेंट मैच भी होता है। और आज यहां पर ब्रायन और मॉक्सली के इस मैच के शुरू होने के पहले ही ब्रायन जब एंट्रेंस कर रहे होते हैं उसी समय मॉक्सली के द्वारा ब्रायन पर अटैक किया जाता है। इसके बाद कि आज यहां पर पूरे मैच के दौरान हमें यहां पर जॉन मॉक्सली की तरफ से मरीना सफीर मैच के अंदर अटैक करते हुए दिखाई देती गए और जॉन मॉक्सली के मैच में काफी सारे वेपन्स और चीटिंग को यूज करने के बाद फाइनली यहां पर स्लीपर होल्ड के साथ वो ब्रायन डेनिसन को इस मैच में सबमिट करके चोकआउट कर देते गए। और गाइस, यहां पर ब्रायन डेनिसन के रिंग में बेहोश होने की वजह से रेफरी यहां पर मैच को रोक देता है और जॉन मॉक्सली यहां पर स्लीपर होल्ड के साथ आज यहां पर ब्रायन डेनिसन को हराकर एईडब्ल्यू के ब्रांड न्यू वर्ल्ड चैंपियन बन जाते गए। बट मैच के ओवर होने के बाद ब्रायन डेनिसन को जॉन मॉक्सली एक बार फिर से प्लास्टिक बैग से चोकआउट करने की कोशिश करते गए, जिसके बाद कि व्हीलर यूटा और डार्बी एलन रिंग के अंदर आकर ब्रायन को सेव करने की कोशिश करते गए। बट सडनली यहां पर व्हीलर यूटा डार्बी के ऊपर टर्न कर देते गए और वो यहां पर बीसीसी को ज्वाइन करते हुए हमें यहां पर डार्बी एलन को बीट डाउन करते हुए दिखाई देते गए, जिसके बाद कि शो के एंडिंग के ऊपर आज यहां पर बीसीसी स्टील चेयर के साथ ब्रायन को बीट डाउन करते गए। और गाइस, यहां पर एईडब्ल्यू के रसल ड्रीम के एंडिंग के ऊपर एईडब्ल्यू का पूरा लॉकर रूम आकर ब्रायन डेनिसन को स्ट्रेचर पर लिटाकर हॉस्पिटल ले जाता है।